हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंसेंटी ब्लॉग्स। मेरा नाम है सुष्मिता और आज मैं आपको एग करी का रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो ये बहुत आसान है और आप सब अपने घर पे बनाते ही हैं, मगर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने ये रेसिपी आपको दिखाया है। अगर आप लोगों को कुछ भी पर्टिकुलर रेसिपी देखना है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना, मैं आपका रिक्वेस्ट रखने की पूरी कोशिश करूंगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसमें देखिए कितना कम इंग्रेडिएंट्स लगता है, आपके सामने ही है। पहले हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसको गरम करके मैंने 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया। अब इसको अच्छे से गरम कर लूंगी। अब मैं ये 2 अंडा यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दूंगी। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा ऐड कर दूंगी। अब इसको फ्राई कर लीजिए मीडियम फ्लेम में। पहले हमने कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लिया। अब इसमें 1 से 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल दे देंगे। मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी में, तो आप लोग यही तेल यूज करने की कोशिश करना। अब मैंने तेल को इवनली स्प्रेड कर दिया है कढ़ाई में। तेल जब गरम हो जाए तो इसमें एक सूखा लाल मिर्च ऐसे तोड़ के मैं ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैं थोड़े जीरे ऐड कर दूंगी। देखिए जीरा जब चटकने लगे तो हमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है 1 टीस्पून। देखिए अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी, जो मैंने लंबा करके काट के रखा था। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब जब ये ब्राउन कलर आ जाए तो इस स्टेज पे हम एक टमाटर ऐड कर देंगे मीडियम साइज। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि ये मसाले जल ना जाए। अब हमें इसे ढक देना है और हल्का सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर दीजिए। देखिए टमाटर थोड़ा पक चुका है। अब इस स्टेज में हम 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए और जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी ऐड कर देना। टमाटर पूरी गलनी चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। अब इसमें कुछ दाने चीनी के भी ऐड कर देंगे हम, इससे बाकी मसालों का टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है, टमाटर भी पूरे गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं अंडा ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना होगा। मैंने यहाँ पे एक स्प्लिट किया हुआ ग्रीन चिली ऐड कर दिया है, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इस स्टेज में थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, आप जैसा ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना ही पानी ऐड करना। अब इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए पकने दीजिए। अब मैं यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दूंगी, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और गार्निश भी बहुत अच्छा होता है। इस स्टेज पे आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि नमक और बराबर है कि नहीं। बस अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। कि फ्रेंड्स देखिए हमारा ये रेसिपी रेडी हो गया है और कितना मजेदार दिख रहा है, ये लग रहा है ना ढाबे जैसा। आप सब भी इसे घर पे जरूर ट्राई करना। सारे इंग्रेडिएंट्स और उनके अमाउंट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए।
शेयर करना। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।